हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12 ए का जो 19th नंबर क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें जो है बी सी जो है वो एक डायमीटर है ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। देखो यहाँ पर हमारा जो बी सी है ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है। यहाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आ रहा है ना, तो कभी भी अगर सेंटर से गुजरते हुए कोई भी कॉर्ड आता है तो वो क्या होता है, उस सर्कल का डायमीटर होता है। उसके बाद बोल रहा है कि ए बी और सी डी जो है वो दो कॉर्ड्स हैं, और ऐसे कॉर्ड्स हैं जहाँ पर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। तो देखो ए बी और सी डी ये हमारे कॉर्ड्स हैं और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। आपको प्रूफ ये करना है कि जो ए बी और सी डी है ना वो आपस में इक्वल है। तो अब ये प्रूफ कैसे होगा, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें यहाँ पर कि ये वाली जो मेरी कॉर्ड ए बी है और ये जो मेरी कॉर्ड सी डी है ये क्या है, आपस में बराबर दूरी पर है सेंटर से। क्योंकि हमारा रूल तो यही कहता है, सिंपल से हमारा क्या थ्योरम है कि जब कभी भी हमारा कोई भी दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से बराबर की दूरी पर होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक भी अगर मान लो 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी अगर हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे। जैसे पिछले वाले हमने क्या बताया था आपको कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो क्या होंगे, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग को यही प्रूफ करना है कि ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं ना वो सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। अगर अपन इक्वी डिस्टेंस दोनों को प्रूव कर देते हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो आइए इसको कैसे इक्वी डिस्टेंस प्रूव करना है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, एक सीधी 90 डिग्री की लाइन बना देंगे। और फिर हम लोग इन लाइन जब बन जाएगा तो ये वाली लाइन और ये जो लाइन बनेगी, देखो मैं रफली एक बना के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ऐसे में एक लाइन बना दिया, तो अब ये लाइन और ये लाइन को मैं क्या करूँगा, आपस में इक्वल प्रूव करूँगा। क्योंकि यही दोनों लाइन क्या है, इन दोनों कॉर्ड्स के लिए सेंटर से दूरी है, क्योंकि सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस है यही दोनों लाइन आपको बताएंगी। तो बस यही दोनों लाइन का वो क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ये इक्वल प्रूफ हो गया, ये ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएगा। आइए अब इसको मैं आपको डिटेल में कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि हमारा ये दोनों लाइन आपस में इक्वल प्रूफ हो जाए और ये हमारा इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा फिर ए बी और सी डी। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि जो हमको कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पर हमको ओ एल बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होगा वो हमारे ए बी का। देखो ओ एल जो है हमारी ये वाली जो लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, और इधर से जो हमारी ओ एम है वो सी डी के लिए परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री की एंगल बना रही है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी हमारा जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तभी तो वो फिर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा ना तो डिस्टेंस फिर नहीं कहलाता है। ठीक, तो हम लोग अब क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का नाम हम लोग सी ओ एम कर देते हैं, ठीक है, सी ओ एम। एंड ट्रायंगल इधर वाले का नाम बी ओ एल कर देते हैं, क्लियर है, तो बी ओ एल हो जाएगा। ध्यान रखना कि जो भी एंगल से आप नाम लिखना शुरू करो ना, उसी एंगल से इधर में भी आपको नाम देना है, यानी कि यहाँ आपने सी ओ एम किया तो इधर ओ एल बी कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। आपको जैसे यहाँ पर सी से नाम दिया तो यहाँ पर बी से देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमने ओ लिखा है सेंटर वाले का नाम तो यहाँ पर भी आपको ओ देना पड़ेगा। फिर हमने 90 डिग्री वाले नाम लिखा है एम, तो यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री वाले एल का नाम लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको ट्रायंगल्स के नाम देने हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है भैया, हमारे पास ये देखो सबसे अच्छा चीज़ तो यही दिख रहा है हमारा कि ये दोनों जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग इसका ही नाम लिख लो, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंगल सी एम ओ, ठीक है, ये वाला एंगल, एंगल सी एम ओ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा बी एल ओ के, एंगल बी एल ओ का। और क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90 डिग्री, क्लियर है एक चीज़। दूसरा, अब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या बोला था हमसे, पैरेलल था। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि दो जो लाइन्स हैं आपस में वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं जब कभी दो पैरेलल लाइन्स होते हैं उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो वही लिख दो आप लोग कि ये जो एंगल है हमारा एम सी ओ, या फिर ओ सी एम कर देते हैं इसका नाम, एंगल ओ सी एम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के ओ बी एल के, एंगल ओ बी एल का। ठीक, दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्टकट में इस तरीके से आप लोग लिख दो, तो हमारे एंगल एंगल हो गए। अब हमारे पास देखो ये साइड भी आपस में इक्वल है, क्योंकि हमको क्या बोला था कि जो मेरी ये बी सी जो लाइन है ये क्या है, डायमीटर है, और ये हमारा सेंटर में ओ आ रहा है, तो हमारे पास ओ से लेकर के सी तक की जो दूरी होगी ये हमारी रेडियस हो जाएगी, और ओ से बी तक की दूरी जो होगी ये भी हमारी रेडियस हो जाएगी। और रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं किसी भी सर्कल के लिए। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि मेरा जो ओ सी है वो इक्वल है मेरे ओ बी का, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, रेडियस है। यहाँ पर आप लोग लिख दो रेडियस ऑफ
सर्कल। ठीक, तो अब क्या हुआ हमारे पास, एंगल एंगल और साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर आप लिखो, सो हमारा जो ट्रायंगल हमने लिया था सी ओ एम, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल बी ओ एल का। और ये दोनों ट्रायंगल किस रूल से हुए, तो हमारा एंगल एंगल और जो साइड वाला रूल होता है, क्राइटेरियन होता है, उसके तहत ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो अगर ये और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे ओ एम और ओ एल, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारा लिखो आप यहाँ पर, ओ एम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ओ एल का। और यही तो अपने को मेन काम करना था, ओ एम और ओ एल को ही तो इक्वल प्रूव करना था, क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या हैं, डिस्टेंस हैं। तो एम इक्वल टू ओ एल, और ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि हमारे ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, जिसको हम लोग सी पी सी टी बोलते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पर आप लोग डाल दो सी पी सी टी। तो अगर ये हमारे आपस में इक्वल हो गए, तो मेरा ए बी और सी डी भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल आप ये भी लिख दो कि ए बी जो होगा हमारा वो इक्वल हो जाएगा सी डी का। और ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हुए, क्योंकि हमारा ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ए बी और सी डी जो है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, क्योंकि ओ एम और ओ एल आपस में इक्वल है। तो इसको आप यहाँ साइड में लिख भी सकते हो कि कॉर्ड्स कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर आप लास्ट में जरूर बता देना कि ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हुए, क्योंकि ये हमारे इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, और सेंटर से कभी भी जब दो कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस होते हैं, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो हमारा ए बी और सी डी यहाँ से इक्वल प्रूफ होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। उनका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।